वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका होस्ट हूं सचिन शर्मा। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं छतबीड़ जू। आपको बता देना चाहता हूं, छतबीड़ जू पंजाब में जीरकपुर के पास सिचुएटेड है। और इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे छोटे भाई ने। हेलो गाइस, कैसे हो? और इसका नाम है रुद्र। तो हमने पहले भी छतबीड़ जू की वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी हम दोनों ने ही बनाई थी आज से तकरीबन एक साल पहले। पर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशंस हो गए हैं जू में, तो हमने सोचा है कि एक बार फिर से आप सभी को छतबीड़ जू की सैर करवा दी जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। तो जल्दी से चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके ना, ये है टीरेक्स टायरानोसॉरस। एंट्री लेते ही यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे देखने को मिल रहे हैं। इस जगह पे, इस लोकेशन पे काफ़ी स्कूल ट्रिप्स आते हैं, तो शायद आप भी कभी अपने स्कूल के साथ यहाँ पे ट्रिप पे आए होंगे। अगर आप किसी पंजाब के आसपास रीजन से देख रहे हो तो हो सकता है आए होंगे। हम तो यहाँ पे काफ़ी बार आए हैं अपने स्कूल ट्रिप पर। यहाँ से स्टार्ट हो गई अपनी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड लगा है हमाद रियास बबून का, पर बबून कहीं पे नहीं दिख रहा हमें, पर बच्चे बहुत दिख रहे हैं। आज हमने कम से कम यहाँ पे 3 स्कूल देख लिए अभी तक। तो आपको बता दूँ, आप यहाँ पे प्लास्टिक कैरी नहीं कर सकते हो। अगर आपके बैग में प्लास्टिक होता है वो स्टार्टिंग में ही निकलवा लिया जाता है जब आपके बैग्स की चेकिंग होती है। बस वाटर की बॉटल आप कैरी कर सकते हो अगर आपके पास प्लास्टिक वाटर बॉटल है। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? हमाद रियास बबून तो देखने को मिला नहीं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पिग टेल्ड मकैक दिखेगा। ये देखिए मकैक, वो बैठा है ऊपर। आज से 1.5-2 साल पहले ना ये एग्जिट हुआ करता था। एग्जिट के पास इन्होंने एंट्रेंस नई बनाई है, तो एंट्रेंस नई बनाने के बाद ये जो बबूंज और मंकीज का केज होते हैं ना, ये एकदम स्टार्टिंग में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंगूर और मकैक या बबूंज देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी, व्लॉगर हैं जी। नाम क्या रहा है? हेलो दा बोल दो। हेलो 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 हेलो। किदा? ओ वाह, किसी भाई उसने वहां से छलांग लगाई। कहां से लगाई? वहां से लगाई छलांग उसने। मैं डर गया भाई। ये यहाँ पे असमीज मकैक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं आगे जाके क्या देखने को मिलेगा। और आगे जाके आपको यहाँ पे डायनासोर का क्या बना है, डायनासोर का जुरासिक पार्क। यहाँ पे जुरासिक पार्क बना हुआ है आगे, और आगे ना बर्ड हाउस भी है, वो काफ़ी तगड़ा है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो जू वैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो जू अगर आप पैदल घूमना चाहोगे आपको 2-3 घंटे आराम से लग सकते हैं। अगर आप आराम से फिर भी घूमना चाहो तो कम से कम 3-4 घंटे भी लग सकते हैं ईजीली। पर यहाँ पे अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, वो जो यार छोटी सी कार्ट होती है ना उस पर बिठा के लेके जाते हैं, उसके अलग से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और एंट्री फीस जो अडल्ट्स की है वो 100 रुपीज़ है। हम पहुँचने वाले हैं टाइगर के पास बाघ, आगे जाके मिलेगा हमें, इस रूट पर सीधा चलना पड़ेगा। द रॉयल बंगाल टाइगर इज वन ऑफ द 5 सब स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एशिया। Today's shrinking tiger number and habitat are major conservation issue. 100 years ago, approximately 1 lakh tigers were roaming in the world, but now only 4% of the same are left. Let us conserve the tigers. क्या बात है? मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे टाइगर है, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइगर होता तो यहाँ पे भीड़ होनी थी। सो रहा होगा वो बंदा,
धूप में। यहाँ पे दो टाइगर बैठे हैं, आपको पता नहीं दिखेंगे या नहीं, काफी दूर बैठे हैं। एक वाला टाइगर बैठा है ये यहाँ पे और एक वाइट टाइगर बैठा है इस साइड। ये आपको वाइट टाइगर दिखेगा, आई होप आपको विजिबली दिख रहा होगा वाइट टाइगर। ये बेचारा सो रखा है अभी, और उसके जस्ट बगल में ये इस साइड ये बैठा है बंगाल टाइगर। जूम ज़्यादा करके रखा है तो कैमरा ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर। अभी के लिए तो बंगाल टाइगर सो रखे हैं, इतना बड़ा है इनका हैबिटेट है, देख सकते हो वो उधर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके इनका हैबिटेट होता है ख़त्म। और इसमें के और इसके बीच में रखे हुए हैं दो टाइगर इन्होंने, एक बंगाल टाइगर और एक रखा है वाइट टाइगर। तो अभी तो सो रखे हैं ये बंदे, 12 बज गए हैं ना क्योंकि, तो नींद आ रही होगी बेचारों को। हम अभी आगे चलते हैं और आगे जाके हम आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं और वापसी में आपको एक बार बंगाल टाइगर दिखाएंगे जब उठा होगा ये बंदा। और ये देखिए ये कैब की फैसिलिटी है, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है। और बंगाल टाइगर के सामने वाले केज में ये वाइट टाइगर का स्पेशल केज बनाया गया है, बट मेरे को लग रहा है इसमें होगा नहीं वाइट टाइगर, क्योंकि वाइट टाइगर इन्होंने ऑलरेडी बंगाल टाइगर के साथ ही रखा हुआ है। दिख रहा है भाई? नहीं नहीं है यार, यहाँ पे कहाँ पे देखो, पेड़ के नीचे पूंछ ला रहा अपनी। हाँ है 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 वो देखो पूंछ हिल रही है। हाँ दिख गई। और इस केज में भी आपको एक दिखेगा टाइगर, ये भी बंदा सो रखा है यार, क्या है ये बड़े वाला है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए वाइट टाइगर के केज में भी ये टाइगर सो रखा है यहाँ पे। अभी इसको भी लगता है आते टाइम ही देखना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर हो गई है, इनके सोने का टाइम हो गया होगा, है ना। चलते हैं अभी यहाँ से, आगे जाके हमें हिप्पो दिखेगा। टाइगर वगैरह तो सो रखे हैं यार, अभी इनको आते टाइम हम देखेंगे, वापस आएंगे एक बार यहाँ पे, तो बंगाल टाइगर और वाइट टाइगर आपको दोनों साथ में दिखाएंगे फिर। हिप्पोपोटामस, सो रखा है, खड़ा खड़ा सो रहा है ना। ये जो आप हिप्पो देख रहे हो ना सामने, पहले ये ग्रिल्स नहीं लगी होती थी, ये जो अभी ग्रिल्स लगी है ना, पहले ग्रिल्स लगी नहीं होती थी, तो ये हिप्पो काफ़ी टाइम बाहर ऑलरेडी आ चुका है। पहले हिप्पो दोनों अलग अलग होते थे, इस केज में अलग होता था, उस केज में अलग होता था, और आगे वाले केज में भी अलग होता था, पर इससे निकाल के अभी उस वाले इन दो हिप्पो को एक साथ में कर दिया, और आगे पता नहीं हिप्पो भी रहता है कि नहीं, इस वाले में नहीं है हिप्पो। तो एलिफेंट्स देखते हैं, और आपको ये छोटे छोटे शेल्टर्स देखने को मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे आप बैठ सकते हो। और डायनासोर पार्क का क्लोजिंग टाइम 5 बजे है, तो हमें 5 बजे से पहले तो आराम से पहुँच ही जाएंगे, अभी तो 1 बजा है। और सामने हैं गजराज, मिस्टर एलिफेंट, 3 एलिफेंट है यहाँ पे अभी तक देखने को मिल रहे हैं, और सारे अपना पेट पूजा करते हुए घास खा रहे हैं। और यहाँ पे यार पीकॉक नहीं दिखे अभी तक हमें, नहीं तो पीकॉक तो हमें रास्ते में काफ़ी दिख जाते हैं। तो अभी के लिए हम वाइल्ड लाइफ सफारी करने जा रहे हैं, 75 रुपीज़ इसकी टिकट है, इसमें आपको शेर देखने को मिलेंगे और बाकी भी तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। गाड़ी आ गई है, इस गाड़ी में हम बैठ के जाएंगे, ये घूम के अभी यहाँ पे लगेगी, तो देखते हैं कुछ अंदर तगड़ा सा दिख जाए ना, पैसा वसूल हो जाएगा फिर, है ना। वो देखो भाई वो बैठा है सामने, बाहर से देखने में तो यार सोए पड़े हैं सारे, ये बैठा बाहर। ओए ओ भाई जी, वो देखो शेरनी बैठी है, वो देखो वो, ये यहाँ पे मैंने बाजू बाहर निकाल ली, आप ना निकाल लियो, वो शेर नहीं है दोस्तों सामने जो बैठी है, और एक इधर सो रही है। शेर नहीं अंदर आ लिया, अच्छा चार है गए इतने, अच्छा एक पीछे बैठा है, टोटल 5, क्या बात है भाई, रोकी रख यार हरे, क्या बात है। एक अंदर पिंजरे में भी है, और ये देखिए ये अब भाई शेर,
वो बड़े वाला देख रहे हो वो सांबर है और बाकी आसपास छोटे छोटे हिरन है कितने सारे। ओ बल्ले 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 ओए कितने सारे है गए वो दूर दूर तक देख रहे हो उधर वो पीछे पीछे तक भी। हाय हेलो हाँ वो बीच बीच में बड़े बड़े भी हैं। तो दोस्तों सफारी करके आ गए हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वो चार के चार जो शेर, एक शेर था, तीन शेरनियाँ थी, वो सारे सो रखे थे। उसके आगे फिर हमने सांबर और हिरन देखे और अभी बाहर आ गए हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको पैंथर और लेपर्ड देखने को मिलेंगे। ये जो मेरे साथ में केज है, इस वाले केज में आपको तीन पैंथर और लेपर्ड देखने को मिलेंगे, नहीं दो बाहर हैं और एक अंदर है। और इस केज में भी आपको तेंदुआ देखने को मिलेगा। ओ भाई दो बैठे हैं यहाँ पे, एक वो ऊपर बैठा है और एक ये बैठा है। ये वेजिटेरियन कब से हो गया। छतबीड़ डायनासोर पार्क। ये देखो जी सबसे पहले ये बनाया हुआ इन्होंने, नहीं नहीं पहले भी था ये डायनासोर का स्ट्रक्चर। You are entering a Novik hot zone. Beware. Take care of all your belongings. Management will not be responsible for any loss or damage. Weak-hearted people. Beware of live dinosaur. Excavation site. यहाँ से इन्होंने ये नया बना दिया कुछ यहाँ पे। ये नया बनाया है ना? आप सभी का स्वागत है। ओ ये बोलता भी है? पता है मेरे को स्पीकर बोल रहा है। हमारे स्वागत के लिए बिठाया इसको पहले। पिछली बारी पेड़ बनाया हुआ था। बाकी बातें की बातें यार, वो गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से। डाइनो पार्क मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे, पता क्या वो गाड़ी। एक्सकेवेशन साइट, स्पेसिमेन ऑफ डायनासोर फॉसिल फाउंड वाइल एक्सकेवेशन। ये देख सकते हो फॉसिल मिला है इनको, मतलब खुद ही बनाया यार, मिलना ही क्या है यहाँ पे। और वो पड़े हैं डायनासोर के अंडे। चल गए, डर लग रहा है। वही इन्होंने कुछ तगड़ा तो नहीं बनाया यहाँ पे। ओ कुछ नहीं है, देखो यहाँ से निकल रहे। चल आगे पहले तू जा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये देखो इसके अंडों से बच्चे निकल गए। सही बनाया है। और ये देखिए इधर ये लड़ाई कर रहे हैं। खिंचवा ले फोटो अंडे में जाके बॉस। हंसदा पिया। पोज दे रहा, पोज फोटो ली। रुक जा।
और यहाँ पे दोस्तों ये है टीरेक्स टायरानोसोरस। ये बंदे हैं यहाँ पे, ये भी एंजॉय करने हैं। कहाँ से आए आप? राजगढ़, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से आए हैं, क्या बात है। सिरमौर जिला है? अच्छा जी, शक्ले देख के लग रहा है, ये बंदा तो लग रहा है हिमाचल का पक्का। वॉक इन एवियरी, चिट्टा मोर, वाइट मोर है ये। हेलो जी, की हाल चाल? टेरेस्ट्रियल, ये इसलिए लगा के रखी हैं जंजीरें ताकि बर्ड्स उड़कर बाहर ना जा सकें। उनके लिए यहीं पे हैबिटेट बना के रखी है काफी बड़ी। उड़ जा 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 उड़ जा। ये तो ओके लग गया, वार्म अप कर रहा है। नहीं भाई ये तो नहीं आते हाथ में। हाय, क्या बात है। तो बर्ड हाउस में आपको काफी तरह के पंछी देखने को मिलेंगे। सबसे स्टार्टिंग में एंटर होते ही आपको सारस देखने को मिलेगा, फिर आपको तरह तरह के पैरेट और बत्तखें, तो अभी हम बर्ड हाउस से भी बाहर आ गए हैं। और बर्ड हाउस में इस बार बर्ड थोड़े से कम थे, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स होते हैं। अभी यहाँ से एग्जिट 1.5 किलोमीटर दूर है। और अभी यहाँ पे हमने कुछ खाने को लिया क्योंकि, और इधर जूस ले लिया पीने के लिए। सामने कैंटीन मिल जाएगी आपको, और कैंटीन्स आपको अंदर 2 से 3 कैंटीन्स मिल जाएंगी जहाँ बैठ के आप अपना कुछ खा पी सकते हैं। ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए है नहीं यहाँ पे अवेलेबल। सैंडविच या मैगी मिलती है या पास्ता, तो उसके अकॉर्डिंग मैगी ले लिया और 2 ले लिया हमने जूस। सामने आपको ऑस्ट्रिच देखने को मिलेंगे। डायनासोर पार्क को तो बहुत ही ज़्यादा देखने आते हैं, और आसपास के लोग भी, लोकल बंदे भी काफ़ी आते हैं जब से डायनासोर पार्क बना है। तो ये भी बंदा लोकल ही है यहाँ का, तो ये भी आ ही जाता है ना। हाँ, रेप्टाइल हाउस, रॉक पाइथन। कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? रॉक पाइथन, वो बैठा है रॉक पाइथन ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये है रॉक पाइथन, और ये है, ये भी रॉक पाइथन है। कितना बड़ा है भाई? दो है, नहीं एक है। इसका फेस कहाँ पे है? वो रहा फेस इसका उधर, वो एक और। हाँ दो है भाई, दो है, दो है ये। हाँ दो है, जो अपनी स्किन छोड़ देते हैं वो, ये स्किन पड़ी है यहाँ पे। और ये दो है, इसका इधर से फेस तो दिखेगा नहीं, एक का फेस ये रहा। फेस क्या इसका? ये रहा, ये देखो, एक ये फेस है, एक दूसरा उधर बैठा है उधर। ओ तीन है, तीन का तीसरा कहाँ पे? ओ तीसरा ये बैठा। ओ भाई साहब, अंदर के अंदर है, अंदर से अंदर है वो, पता नहीं कितने। ये ना अंदर घास के अंदर घुसे रखते हैं। एक उठ रहा है, है यहाँ पे भी है, ये भी है, ये बैठे ऊपर। ये तो चार बैठे हैं भाई एक दूसरे के ऊपर। इधर आएगा वो, देख निकल रहा है इधर से कोबरा। ये सही है ना, इसके 75 रुपये लेने जाइए इनको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैठा है क्रोकोडाइल, मस्त धूप में सो रहे हैं वो। दो क्रोकोडाइल बैठे हैं वहाँ पे एकदम सामने, और
यहाँ से अगर आगे निकलोगे तो आपको घड़ियाल भी देखने को मिलेंगे, दो घड़ियाल है यहाँ पे। देखिए ये दो घड़ियाल बैठे हैं यहाँ पे। दोस्तों वैसे हम एग्जिट पे पहुंच गए हैं, ये मेरे बैक साइड में आप एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हम एक बार दोबारा से देखने जाएंगे कि अगर टाइगर हरकत में आ गए होंगे तो दोबारा से दिखा देंगे। जब मॉर्निंग में हम एंटर किए थे तब तो वो सो रहे थे, अभी एक बार जाके देखते हैं, है यहाँ से काफ़ी दूर बट कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं एक बार शेर देख के फिर हम बाहर निकलते हैं। फाइनली हम पहुँच गए दोस्तों शेर के केज के पास। ओए दौड़ का ओ दे, ये शिकार करन जा रहा है, कुछ दिखे है ना उत्थे उत्थे बंदे यार कोल जा रहा हो। ओए ओ पीछे से वो सामने आ, तो दोस्तों उधर ना बंदे चले गए थे, नो उधर प्रोहिबिटेड एंट्री, तो शेर ने उनको देख लिया ऊपर से, तो ये बंदे ना उधर चले गए थे, नो एंट्री उस साइड, तो शेर ने उनको देख लिया था और भाग के गया था उनकी तरफ। तो दोस्तों ये है छतवीर जू जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करके दिखाया है, और आई होप आप सभी ने वीडियो इन्जॉय की होगी एंड इन दी एंड आपको शेर भी हरकत में दिखा दिए हैं। बट यार एक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं, डेंजर जोन होते हैं, वहाँ पे मत जाया कीजिए। जैसे अभी टाइगर दिखाने गया था आपको, तो कुछ लड़के थे जो कि प्रोहिबिटेड एरिया में चले गए थे जहाँ पे शेर ने उनको देख के उनकी तरफ झपट्टा मार रहा था, बट होपफुली बाउंड्रीज इतनी बड़ी बनाई गई हैं कि शेर बाहर नहीं आ सकता है, बट फिर भी यार प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अदरवाइज़ जाने अनजाने में कोई अनहोनी हो जाती है, फिर यार सारा इन पे ही आता है जू वालों पे कि जू वालों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए। इससे बेटर है कि प्रोहिबिटेड एरिया में आप जाओ ही ना, और ज़्यादा नहीं ज्ञान दूंगा आप सभी को, बस यही बताना चाहता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट मेंशन जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर, और मिलेंगे किसी बढ़िया जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।